बाद से ही जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक समाज है, जो गैर मुसलमान समाज है, हिंदू समाज है, सिख समाज है, उन पे अत्याचारों का सिलसिला लगातार चलता रहा है। आज 229th डे है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का यहाँ पे सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठने का, और सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार से सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रख लीजिए। सरकार सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पा रही, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, तो केवल इतना कह रहे हैं कि हमें रिलोकेट कर दीजिए। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो जाता, जब तक आप इस समस्या पे कंट्रोल नहीं पा देते, सरकार कह रही है आपको रिलोकेट नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से आ रहे बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज इसीलिए एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से कंप्लीट पूरी सॉलिडेरिटी व्यक्त करते हुए, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी जंग को आगे ले जाने के प्रण से आज हम यहाँ पे आए, और हमने आश्वासन दिया कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हों या रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज हों, जो कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश का झंडा पकड़ के जो वहां पे खड़े हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़ा रहेंगे। हमारी पार्टी पूरा जम्मू संभाग और देश में भी, पूरे देश में भी अगर इस मूवमेंट के लिए समर्थन हासिल करना पड़ा तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, वो हम अपना काम करेंगे। ऐसे टारगेटेड किलिंग्स को जम्मू कश्मीर में सरकार नॉर्मलाइज कर रही है, न्यू नॉर्मल की तरह पेश कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से हाईएस्ट ऑफिसर्स जो नागरिकों को उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करें, वो उनकी सैलरीज पे कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सैलरी देंगे या नहीं देंगे। देखिए, ये जो नई स्टेटमेंट, रीसेंट स्टेटमेंट एलजी साहब की आई कि घर बैठ के तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, इससे आप जोड़ के देखिए 1990 में किस तरीके की, या 1947 में भी किस तरीके का दबाव अल्पसंख्यक समाज पे कश्मीर में बनाया गया था, जब शेख अब्दुल्ला के साथ जुड़ने के लिए, या फिर आतंकियों ने जब कश्मीर छोड़ने की धमकी दी तो कुछ इस तरीके से कहा था कि गलीब सलीब और गलीब। तो मुझे लगता है कि आज की सरकार वही एक रोल निभा रही है जहाँ पे इन लोगों को यही कहा जा रहा है, गलीब सलीब गलीब, और ये कहा जा रहा है कि जाके मरो वहाँ, और मरने से बचना है तो जाके घुल मिल जाओ उनके साथ। तो घुल मिलने का मतलब क्या है वो आप भली भांति समझते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, और जम्मू कश्मीर में जिहाद की समस्या को नॉर्मलाइज करने की जो कोशिश की है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करे। मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं होगा, और जब तक इनका इमीडिएट सोल्यूशन जो रिलोकेशन वो नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये धरने इसी तरीके से चलेंगे, ये मूवमेंट और बड़ी होगी, और अल्टीमेट